चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर, ठीक है, रोल फॉरवर्ड हाफ अ रिवॉल्यूशन ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड इज, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, पहले ग्राउंड बनाते हैं, सबसे पहले ग्राउंड बना लेते हैं, उसके बाद व्हील बनाते हैं। ये ग्राउंड बना दिया हमने, ठीक है, अब यहां पर व्हील बनाते हैं, छोटा सा व्हील बना लेते हैं। व्हील बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक है, व्हील बनाते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। ये हो गया व्हील नंबर 1, इसकी पोजीशन हो गई। अब इसको उठा के यहां लाते हैं, यहां पर फिर से व्हील बनाते हैं, ये व्हील हमने बना दी, फाइनल हो गया 2, ठीक है, इसका सेंटर था, इसका सेंटर। अब क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, यहां पर एक पॉइंट है, अज्यूम करो ए, ये तो ओ है, सेंटर है, ये पूरी व्हील घूमी, घूम के ऐसे घूमी, घूमने के बाद यहां पहुंची, तो ए पॉइंट इधर घूमेगा, ए पॉइंट इधर चलेगा, और ए पॉइंट पहुंच गया यहां पर, आधा सर्किल कंप्लीट हो गया, हो गया ना, हाफ सर्किल कंप्लीट हो गया, करेक्ट है। तो व्हील यहां से पहुंच गई यहां पर, पॉइंट ए यहां पहुंच गया। अब जरा देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, सबसे पहले ये देखना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा बेंड कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट चेक करना है, ये तो बेंड करना है, चलो यहाँ कर देते हैं, ये पोजीशन हो गई। अब ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, अगर रेडियस कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर, रेडियस 1 मीटर, 1 मीटर इसका व्हील का रेडियस है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 2 मीटर होगी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि डायमीटर है। इस पॉइंट को आप बी कह दो, सपोज ये बी यहाँ था शुरू में, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है, अच्छा ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस एक्स मान लेते हैं, करेक्ट है, कितनी मान लेते हैं, तो एक व्हील के बराबर ये डिस्टेंस गई, तो ये फाई आर हो गया ना, पूरा एक चक्कर लगाया, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगी, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फाई आर, फाई आर की वैल्यू 1, तो फाई इंटू 1 यानी फाई, तो ये फाई हो गया, ये 2 मीटर है, तो हाइपोटेनस ये हुआ, पाइथागोरस 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है, इसको मान लो जेड, मान लो जेड का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है, पाई का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 2 मीटर, 2 मीटर स्क्वायर, यानी जेड इक्वल टू अंडर रूट में पाई स्क्वायर प्लस 4, सही है, पाई स्क्वायर बाय प्लस 4, कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला ठीक है ना, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,